The Election Commission of India has called for a re-polling at a booth in Achar Assembly constituency in Madhya Pradesh's Bhind district, which is now underway. The ECI has called for these re-polls, citing breach of secrecy after it came to light that some people had filmed themselves while casting their votes. Four members of the polling party have been suspended so far, and re-polls are now underway for this booth. Meanwhile, joining us live on the broadcast is my colleague Chetan Seth. Chetan, what can you tell us about these re-polling that is taking place? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुए हैं और उस मतदान के दौरान कई जगह से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा निर्वाचन आयोग ने शिकायतें दर्ज की गई थी। शिकायतें इस बात को लेकर की गई थी कि कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर जो तमाम अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी, उनने किसी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह जो है वोटिंग करवा दी गई। जब इस बात की शिकायत बीजेपी के नेताओं के द्वारा निर्वाचन आयोग को की गई थी और निर्वाचन आयोग ने उस पर जांच की, तो उसमें सिद्ध पाया गया कि जो पीठासीन अधिकारी था उसने लापरवाही बरती है और यही कारण है कि फिर 21 नवंबर यानी कि आज मतदान करने के लिए जो निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया था, तो आज भिंड जिले की टिशुपुरा जो है मतदान केंद्र है वहां पर लगभग 700 से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था और उस मतदान केंद्र पर आज एक बार फिर जो है मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने लगातार इस तरीके से 18 तारीख को इस बात का ऐलान कर दिया था और 19 और 20 यानी कि दो दिनों में उस बूथ के जितने भी जो मतदाता थे उनको प्रचार किया गया, द्वारा उन्हें जागरूक किया गया कि जो है मतदान में गड़बड़ी हुई है पर अब शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो सके इसका प्रयास किया जा रहा है और यही कारण है कि आज जो है वहां से मतदान होना है और सुबह 7 बजे से जो है मतदान की शुरुआत हो चुकी है और शाम 6 बजे तक मतदान चलना है। तो अब लोग हालांकि वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं, लोग अभी कम संख्या में जरूर पहुंच रहे हैं लेकिन जो तमाम दल है जिन अधिकारियों कर्मचारियों की निर्वाचन ने चुनाव में ड्यूटी लगाई थी उन्हें जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि लोगों में एक बार जो है जागरूकता पहुंचाई जाए और लोगों को जल्द से जल्द बुलाया जाए ताकि जिस बूथ पे जितने भी जो मतदाता थे वो वहां पर पहुंच सकें और मतदान कर सकें, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 3 तारीख को जो है मतगणना होनी है, उसके बाद रिजल्ट आना, तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती भी खड़ी हो जाती है कि आखिरकार जो विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष तरीके से मतदान हुआ है वहां पर अगर अधिकारी कोई लापरवाही कर देता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा खामियाजा इन राजनीतिक पार्टियों को हो सकता है और यही कारण है कि शिकायतों का दौर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से मतदान जरूर हो गया था लेकिन बीजेपी के जो है जांच के बाद निर्वाचन ने मतदान का ऐलान जरूर कर दिया है लेकिन कांग्रेस अभी भी इस पर आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस का साफ कहना है कि कांग्रेस ने भी कई मतदान केंद्रों की शिकायत की थी, उन मतदान केंद्रों पर बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है लेकिन उन पर जो है निर्वाचन आयोग ने अपनी जांच भी नहीं कराई और उन पर मतदाताओं का यानी मतगणना का ऐलान नहीं किया। तो फिलहाल इंतजार है कि आखिरकार आज सुबह 7 बजे से शुरुआत हो गई और शाम तक क्या स्थिति रहने वाली है तो देखना होगा शाम तक। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.